भाई इतनी बारिश, नहीं मेरे को तेरे पेट से पानी निकालूंगा, मैं लिप्स दबाऊंगा। अगर तो ये ट्रेन प्रोडक्शन में बन गई तो भी बढ़िया। और अब मैं जाती हूँ वापस ऑफिस। इसका बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है मेरा। अब आने वाली जिंदगी आप सीखोगे, अब बूढ़े हो रहे हैं ना। आज तो लॉटरी निकली है, साथ में होगा डिनर। Good morning, I love you. चलो आज मम्मा लंच बनाएंगे। चिकन भूख लगी थी। हाँ जी, वेट करो। मम्मा ब्रोकली कट रहे हैं, कैरेट्स कट रहे हैं मेरी चिकू के लिए। फिर चिकू नखरे बाज भी तो इतने, इतना नखरे बाज खाना ही नहीं थे बिना। हाँ वेट करो। रेडी चिका, गो बॉय, चलो आजा। गंदा बच्चा, नहीं खाया। Hello everyone, welcome back to the channel. Good morning, it's happy Monday. मैंने cooking कर ली है किचन में और अब मैं फटाफट ready होंगी. See ya. Ready. चलो अब मैं फटाफट अपने लिए बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। लंच मेरा हो गया है रेडी। 5 बजे की उठी हुई और चिकू आज मेरे साथ खेला नहीं, दैट वाज रियली सैड। एनीवे ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अच्छी भी उठ गया है, मेरे को कहता तू मेरे को ना अभी यही लंच वाला ही दे दे ब्रेकफास्ट में। सो उसको मैंने ब्रेकफास्ट भी दे दिया है एंड हाँ जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, सिर्फ 20 मिनट्स लेफ्ट टू लीव द होम। लंच पैक कर रही हूँ साथ साथ अपना। खिचड़ी पैक्ड, योगर्ट, योगर्ट में डालूंगी ब्लूबेरी, ऑर्गेनिक ब्लूबेरीज। बैग पैक कर लूँ, यह है लंच। अपना डिजर्ट तो भूल ही गई थी एंड एक अमरूद। ओके अपना ओके, लंच में एग्स खा लियो। याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि तेरे को ऑफिस छोड़ने के लिए जो 1 घंटा मिलेगा वो तेरे साथ चल पड़ता हूँ। ओह हाँ, कैसा लगा फिर जी 5 बजे उठ के? बहुत अच्छा। हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे क्यूटी बॉयज एंड गर्ल्स? Hi guys, welcome back to the channel. सुबह सुबह मैं उठ गया था, थोड़ा बहुत काम कुम कर रहा था। अब मैंने कीरत को बोला कि मेरे को ना तेरे से 10 मिनट और बातें मारनी है, तो स्टेशन पे छोड़ दे, मैं चलता हूँ तेरे को। फिर चीकू ने कहा कि मुझे आपको देखना है बातें मारते हुए, तो स्टेशन पे छोड़ने मैं भी चलता हूँ। आज तो लॉटरी निकली है कुका की। सुबह की शुरुआत भी इससे होती है। एक मैंने लिए खाने के बाद ही ले रहा है। हाँ मैं खाना भी खा चुका था, एक सौ खिचड़ी। वेलकम। खिचड़ी बोलते हैं ना, ऐसे लगता है क्या खाया, मसाला ओट्स खाएंगे। देख लेंगे कितना है। नहीं 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 बाबू, 2 घंटे लग जाएंगे। अरे यार फैंसू मैं बता रही हूँ 2 घंटे। अरे एक बार देखने तो दे वो बाबू, बन भी क्यों बहुत ट्रैफिक है। सॉरी यू गो ऑन योर स्काई ट्रेन। चढ़ गई, ओहो अच्छा वाला वो बैठा हुआ था बाबू। इसको एकदम से हुआ कि मैं बस एंड के 2 मिनट और पैर कर लूँ इसको। ऐसे तो कीरत को मैं छोड़ने जा रहा हूँ आज, इसका तो ये नहीं कीरत जल्दी पहुँच रही है, कीरत लेट ही पहुँचेगी शायद। हैव अ गुड डे। नहीं मैंने अभी क्या करना है, नहीं नहीं मैं अभी काम नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले मैंने डिसाइड किया है एक लेक्चर सुनना है मेरे को 2 घंटे का। मैं लेक्चर सुनूंगा और मेरे घर की सफाई करनी है, हेडफोन्स लगा के मेरी क्लास में अटेंड करूंगा। चल सुनने के बाद मैं 1-2 घंटे काम करूंगा। उस 1-2 घंटे के काम के बाद अगर मुझे नींद नींद आई मैं जिम निकलूंगा या फिर उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा। मेरा तो फुल मतलब 5-6 बजे तक फुल डे जैम पैक प्लान है। आज देख तो ऐसे हुई है, पता नहीं क्या फटा ढोल बना हुआ। आने से पहले फ्री हो जाइए। हाँ दिन देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। गुड्डे भी सो गया एकदम से कोई नहीं है, लातू भूत है, बातों से नहीं माने हम। चल चल चल
अब निकल, लव यू हैगा जी, बाय बाय चिका। सारी लड़कियों को पता नहीं क्यों जहाँ पे एक ओ किरत के भाग के आ रही है, फोन रह गया। किरत तेरा औखा ही है भाई, भाग के आ रही है। मैं कहा अच्छा भाई, कहती है फोन रह गया मेरा। चिका यहीं बैठ रहे हैं बाबू। घर पहुंच जाएंगे, हीट चला दूं और थोड़ा ठंड लगने लग जाती है एकदम से। वहीं बैठो बैठो, इसकी सीट अच्छी कंफर्टेबल है, बताता हूं मैं आपको। वैसे आप तो रहे बट इसकी ये सीट सही है, और अगर कभी हाईवे पे चलाना तो ये लॉक भी हो जाती है इसके पीछे। जो गीरत की शक्ल उड़ी गाइस फोन भूल के, मेरी भी सेम उड़ती, मेरी तो शायद उससे ज्यादा उड़ती। इमेजिन करो तुम्हारा फोन नहीं है तो फ्यांचू को कैसे बताओगे कि फ्यांचू फोन तो है नहीं, पूरा दिन तो तुम यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फोन यार। तो कॉफी पहले पी लूं या बाद में पीऊं? अभी पी लेता हूँ ताकि हिट हो जाए। कॉफी पे भी कितने डिपेंडेंट हो गए यार हम लोग, कल इतनी पार्टी की उसके बाद तो गला मेरा ऐसे खत्म सा लग रहा है ना, मुझे कोई हद नहीं। ग्रैंडल पहुंच गई हूँ मैं, ऑलमोस्ट ऑफिस पहुंचने वाली हूँ, और मम्मा से आज बात नहीं हो पाई क्योंकि हमें एक सब्सक्राइबर मिल गया था, मैं उससे बात कर रही थी। सच अ ब्यूटीफुल वेदर, अब आपको मिलती हूँ ऑफिस में, बाय। वैक्यूम कर दिया सारा घर, बेड भी मैंने समेट लिए, और अब मेरी पढ़ाई रहती है, मैंने पढ़ाई नहीं करी, सुबह उठ के मैंने काम कर लिया था, भूख भी लग रही है और पढ़ाई भी रहती है। तो सबसे पहले काम करता हूँ, हेडफोन से लगाता हूँ, एक चैप्टर सुनता हूँ, खाना बनाता हूँ। बेड भी कर दिया था मैंने, ये मेरी बीवी की जूड़ा पिंच। क्या हुआ, उतरना है? चलो उतरो, भागो। दोस्तों खाना खा लिया है, अब मैं स्टीम लूंगा थोड़ी देर के लिए ताकि सांस लेने में इजी हो। बहुत ही बुरा साइनस का यार हेडेक शुरू हो जाता है जैसे कोल्ड वगैरह हो ना। मैं जैगरी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस, सुपर प्रोडक्ट है यार, लव इट। बेस्ट तो ऑब्वियसली आउटडोर के लिए, बट हम घर पे यूज करते रहते हैं ज्यादा, तो घर के लिए इतना मतलब मैं कहूंगा कि इट्स मोर कन्वीनियंस फैक्टर, नॉट अ नीड, बट अगर आप आउटडोर ज्यादा रहते हो देन आपको लेना चाहिए। स्टीमर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टाइम फॉर लंच, जस्ट गोना सिट समवेयर हियर। आज बारिश हो रही है दोस्तों, That looks nice. Awesome. Shade है, ज्यादा ठंडी भी नहीं है, Planes को ऊपर नीचे जाते देखूंगी। Wow. साफ कर ले, मेरा कोट गंदा हो जाएगा वाइट, वरना इसको तो ड्राई क्लीन नहीं करवाऊंगी। I love 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 this masala oats. Super healthy, rich with all the veggies. बाकी आज सुबह से मेरा काम बड़ा अच्छा चल रहा है, liking it. खाना खाते खाते वो देखो मोटू ग्रो। स्वीट डिश भी खा ली, लंच भी कर लिया, और अब मैं ढूंढू एक बढ़िया सा कैफे जहाँ से लूंगी मैं कॉफी। आज बाय द वे मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, मैंने आपको बताया था। वन ऑफ द रीजन इज ऑब्वियसली मेरे जो पिछला काम मैंने जहाँ पे मैं करती थी वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, एंड आई वुड हाईली हाईली गिव ऑल द क्रेडिट टू वन ऑफ माई मैनेजर, शी वॉज सो स्वीट, मतलब शी वॉज लाइक माई मेंटर। जो मैंने वहाँ पे सीखा ना वो यहाँ पे मेरे को काम आ रहा है, आई कैन एड वैल्यू टू दिस कंपनी, दैट मीन्स अ लॉट टू मी, दैट्स द फन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग गाइस। अपने काम को एंजॉय करते जाओ, कैसे बेटर कर रहे हो वो बहुत जरूरी है अकाउंटिंग में, क्योंकि ना क्या होता है अकाउंटिंग में ना तुम जो चल रहा होता है उसी को फॉलो करते जाते हो कई बार। यू नीड टू फाइंड आउट वेज हाउ यू कैन इम्प्रूव द सिस्टम्स बेटर, कैसे और इफेक्टिव कर सकते हो, जैसे डेटा एंट्री हो रहा है उसको फास्ट कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी होते हैं फॉर योर इम्प्रूवमेंट, फॉर योर करियर डेवलपमेंट, एंड ऑब्वियसली कंपनी को तो होता ही है बेटर। सो तुम्हारी जॉब इजी बनती है, दूसरों की जॉब भी इजी बनती है, इतने भी अकाउंटिंग के फील्ड में हैं लोग या फाइनेंस एडमिन रिलेटेड भी अगर कोई जॉब करते हो, ट्राई टू फाइंड आउट बेटर ऑल्टरनेटिव्स, ट्राई टू सी के अगर कुछ और बेटर वेज हो सकते हैं अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के। कल मिलते हैं। बाय द वे अगर आपको कामाकाटा मारू वैंकूवर की हिस्ट्री नहीं पता, जरूर सर्च करना। सो कामाकाटा मारू का इंसिडेंट मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। 1914 में एक कामाकाटा मारू वेसल आई थी कोल हार्बर में, जिसमें 376 अराउंड इंडियंस थे, दे वांटेड टू गेट द इमिग्रेशन सिटीजनशिप ऑफ कनाडा, एंड उनको रिफ्यूजल मिल गया था, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द कंट्री। उसको आज भी मतलब के
कनाडा गवर्नमेंट ने भी मतलब कि माफ़ी मांगी हुई है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। उस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे सिटीजनशिप और इमिग्रेशन लॉज में। ये मैंने आपको छोटे से करके बताया, बट यू शुड डेफिनेटली रीड दिस आउट। और अब मैं जाती हूँ वापस ऑफिस। माई गॉड यार, उनकी जॉब कितनी डेंजरस है, ऐसे साफ कर रहे हैं वो शीशे। लंच टाइम है बट कितना खाली खाली लग रहा है। ठंडी बहुत है भाई, हाथ मेरे लाल हो गए हैं। दोस्तों सॉलिड टेस्ट चल रहा है, साथ साथ लगा पढ़ो बस अच्छे नंबर आ जाए। एक पॉइंट का एक क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन नंबर 21 पे हूँ। 79 मोर क्वेश्चंस टू गो। टेस्ट के बीच में मुझे खांसी छिड़ गई थी तो मैं आपको दिखा दूं चिकू कहाँ सो रहा है। ये कंबल है, बेड है। सॉरी पता ना चले कोई बैठ जाए इसके ऊपर। 3 घंटे का दोस्तों टेस्ट हो चुका है। आज आए 8600 में से और कल आए थे 8700 में से। आई एम अ लिटिल अपसेट क्योंकि ये स्कोर 19 ही टच हो रहा, सो मैं 86-87 पे अटका पड़ा। देखना पड़ेगा कि क्या गलती हो रही है। सो ऑफिस जाने से पहले मैं ले रही हूँ कॉफी और मैं आज ट्राई करने वाली हूँ कॉफी केस है, जिसका नाम स्टार्ट होता है केस। यहाँ गई है शायद। और बड़ी मिल्की बनाई है इन्होंने लाटे, मुझे लग रहा है अच्छी होगी। चलो चले घर। मम्मा आने वाली तेरी, सारा दिन सीपियां करा लो। क्या करा लो? शिपियां। टेस्ट देने का टाइम आ ही जाएगा। अगर मुझे लगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ फिर मैं बुक कर दूंगा। कहते हैं कि 35-40 days का मेरे को टाइम पीरियड में, उसके बाद मेरे को स्लॉट मिल जाएगा। ओ भाई, उसकी माँ का ही नाम लिया, उसकी माँ का कॉल आ गया, उसकी माँ से बात कर ली जाए। टाइम टू गो टू द जिम। हालत थोड़ी गाइस हल्की है तो जिम ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ कार्डियो टाइप करेंगे और एक आधा चैप्टर सुन लूंगा, इसलिए बड़े बड़े हेडफोन उठा लिए। उसके बाद अगर टाइमिंग मैच करी तो कीरत को पिक भी करके आ जाऊंगा, ये बढ़िया हो जाएगा। आज तो कुका की ऐश है, ड्रॉप भी मैंने कर लिया, पिक भी मैं कर लूंगा। ओ भाई इतनी बारिश, कोई अम्ब्रेला नहीं थी मेरे पास, सो मैं अंदर ही अंदर आई बिल्डिंग्स के बीच में से और बच गई। पैसा मुक्त किया, पैसा हैव अ नेगेटिव बैलेंस। के कितने का अपलोड करें? 60। अब ये सारे चेरी ब्लॉसम वाले ट्रीज झड़ जाएंगे। आज मैं पहले जाऊंगी दोस्तों वाटर फ्रंट, वहां से लूंगी ट्रेन क्योंकि यहाँ से सीट नहीं मिलती। दिमाग में एक ही बात चल रही है कि कीरत के चक्कर में जल्दी जल्दी जिम करूं और उसके साथ घर पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं, या फिर मैं आराम से 40-45 मिनट जिम में लगाऊं। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, किसी को लगेगा कि ये कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बट मेरे लिए ज्यादा सोचने वाली बात हो जाती है क्योंकि जिम इज माय बिग टाइम लव गाइस। 5 दिन तो मेरी हालत खराब रही, फिर 2 दिन का वीकेंड आ गया, तो आज 8वां दिन है मैं जब जिम जा रहा हूँ, तो काफी टाइम से मिस हुआ है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कॉल कीरत एंड आस्क हर। कीरत से बात हो गई है, कीरत कह रही कि नहीं नहीं आराम से तू जा, और वो घर पैदल चली जाएगी, ज्यादा दूर तो है नहीं, 7-8 मिनट की वॉक ही है। बट मेरे को था, उसको भी था कि शायद हम दोनों टाइम स्पेंड कर लेंगे, बट मैं यही सोच रहा हूँ इतने दिनों बाद जा रहा हूँ, आराम से स्ट्रेचिंग करूंगा, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करूंगा। घर से बाहर मैं भी नहीं निकला इतने दिनों से अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, कल होली तो मना के आया हूँ मैं। अपना वो इधर से निकल रहा है, इधर से किधर से? अच्छा चमन, मैं तो भी कह रही हूँ ऊपर से फट जाता है। ओहो, ये तो मुझे दिखाई नहीं, यही तो कह रही हूँ मुझे।
When you ask help from your husband, this happens. ध्यान से बस ये बहुत ज्यादा खुला हुआ है ना, मैं बता रही हूँ, धीरे धीरे हो रहा है। तभी मेरे को तेरे पेट से पानी निकालना होगा, मैं लिप्स दबाऊंगा तेरे पेट दबाऊंगा। थोड़ा सा ऊपर कर, थोड़ा सा ऊपर, बस नहीं नहीं एंगल बना। हाँ बस हट ना बाबू, यहाँ से दबा दे, ये दबा वहाँ से, ये ऐसे ऐसे। तू आटे पैकेट के बुलों के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ से कंट्रोल करते हैं भाई कि कितना पिचकारी निकलेगी। लिप्स से तो बहुत चीजें कंट्रोल हो जाती है। पहले ही बताई थी जिम जाता ही ना। फ्रांशु मम्मा से बात कर रहा है। तो अभी बस ये बताओ कि ठुमकी का क्या सीन है, वो किशु कैसे रह रही है, नहीं रह रही? मम्मा चिकू इतना प्यारा है ना, आपको तो बेला की कमी नहीं फील होगी, एक ही कुत्ते में बिल्ली डियर डॉगी सब है। आप लोगों को भी काफी कंसर्न हो रहा है, मैं इतनी ब्रेड क्यों खा रहे हैं? इधर मेरे को अभी एक कॉमेंट आया है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको कि भाई आप ब्रेड मत खाओ इतनी, उसमें मैदा बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका कंसर्न दूर कर देना चाहती हूँ, आई एम बेकिंग होल व्हीट ब्रेड, जिससे रोटियां बनती हैं उससे मैं ब्रेड बना रही हूँ, एंड आई एम नॉट इवन यूजिंग कमर्शियल यीस्ट एट ऑल, नॉट इवन अ पिंच, इट्स ऑल सावर्डो ब्रेड, खट्टी ब्रेड जिसको कहते हैं, जैसे होता है ना कि चपाती, खटास वाली चपाती बहुत अच्छी होती है खाने, ऐसे खट्टी ब्रेड खाते हैं हम जिसमें शुगर का एक भी वो नहीं है, एक भी गन। शुगर मेंटेन करने के लिए आई डू वांट टू हैव रोटी, आई लाइक किनोआ, आई लाइक मेरी ब्रेड जो है वो क्रंची फ्लेवर देती है, रोटी ओट्स होते हैं, रोटी से ज्यादा मेरा परौंठियां खाने का दिल करता है, जैसे पनीर की परौंठी या फिर अंडे वाली परौंठी, परौंठियों पे हम दोनों क्रेज है, वो बनाते हैं कभी कभी। बाकी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपका ऐसे कॉमेंट आया कि आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि आप नॉटी बॉय या गर्ल हो, आप ब्लॉग मिस कर देते हो, क्योंकि हमने पहले सारा बताया था। दूसरी बात, अगर हम ऐसे आपको बता रहे सारी बात, तो ये मत समझना कि हम सरकास्टिक हो रहे हैं, वी आर लाइक दिस। कह रहा मैं था, तू आज ओवर टाइम क्यों करके आई है? मेरे को पता ही नहीं चला फ्रांशु के टाइम, मैं जैसे मुझे ऐसा लगता है मैं आंख छपकती हूँ और खोलती हूँ लंच हो जाता है, मैं दोबारा तो सुबह जाती दो बार झपक लिया आंख है, तो वो रास्ते में से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ऑफिस पहुंच के बढ़िया है, ब्लॉग भी फाइनल करता है। टोफू की सब्जी है रेडी, बस अब मैं साथ में बनाऊंगी चपाती, खुश हो जाओ जिनको ऐसे लगता है कि हम चपाती नहीं खाते। डिनर तो 8 बजे ही बन गया, वाह 8 बजने में अभी 5 मिनट पहले हैं, वाह। हेलो जी, डिनर रेडी, मूवी ढूंढ लीजिए आप, मैं बस फटाफट पहले ब्लॉग को, आई एम ऑल फ्री, जिन साफ करेंगे बाद में, थक गई यार मैं, बस मेरे को ब्लॉग को मैं कर रहा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया इतनी फाइल्स के बीच में, समझ से ऊपर से निकल रहा है। माहौल बन चुका है मूवी नाइट का, साथ में होगा डिनर। किसका बेस्ट बर्थडे गिफ्ट था ये? मेरा। जल्दी ज्यादा टाइम नहीं है, 1.5 घंटे की मूवी देखनी हमने। बाबू चल जाए तो मैं चला दूं। यहाँ का तो कनाडा का तो अमेज़न प्राइम पे कोई पिक्चर नहीं होती। मंडे मूवी नाइट सेट। मूवी खत्म होते सारे फैंसी सोना है। जितने हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, हमें काफी टाइम हो गया व्लॉगिंग करते हुए, 2.5-3 साल होने वाले हैं, पहले के 2.5-2.5 साल में आपने सीखा था कि सारी सारी रात जागना कैसे है और जीने कैसे, अब आने वाली जिंदगी आप सीखोगे कि जल्दी टाइम हो रहा है, रात के 11 बजे ये कर रहे हैं। गुड नाइट दोस्तों, हम जा रहे सोने, किरत जा चुकी है ऑलरेडी सोने, कोशिश कर रही है, बाय बाय, कल मिलते हैं आपको, गुड नाइट, और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, मत जाना, ओके बाय।